हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ए प्लस मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम एक्सरसाइज 13.6 में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कॉस्ट रूपी 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप। If the cost of painting is at the rate of rupee 20 per meter square, ठीक है, तो हमें find करना है inner curve surface area of the vessel, second है radius of the base, capacity of the vessel, ठीक है students? तो हमें, मैं आपको question एक बार explain कर देता हूँ। हमें क्या दिया है कि cylindrical एक vessel है, उसकी inner अंदर वाली surface area को paint करने में 2200 रुपए देने पड़े हैं। किस रेट से? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपी, लाइक 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से उसको 2200 रुपी इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में देने पड़े। ओके, उसकी डीपनेस कितनी है, कितना डीप है वेसल? 10 मीटर। ओके, चलिए अब हम इसमें पहले इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया क्वेश्चन में? कॉस्ट टू पेंट 2200, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपी, हाइट है 10 मीटर। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला निकालते हैं आंसर। अच्छा एक बात बताइए, टोटल कॉस्ट है पेंट करने की इतनी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपी ना, तो कितना सरफेस एरिया रहा होगा? तो हम टोटल रुपीज जो उसको पे करने पड़े हैं उससे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? CSA ऑफ द वेसल। ठीक है, चलिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं CSA ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। ओके, तो हमें क्या मिल गया सिलेंड्रिकल वेसल का CSA? 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब सेकेंड में क्या पूछा गया? रेडियस ऑफ द बेस ना, तो ये जो 110 मीटर स्क्वायर आया है वो किसकी वैल्यू है? 2πRH की वैल्यू है ना, क्योंकि 2πRH ही तो CSA होता है ना सिलेंड्रिकल वेसल का। ओके, तो 2πRH की वैल्यू इतनी है, H हमें गिवेन है, तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? R H की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब R फाइंड करनी है, 7 डिवाइड में उस तरफ इक्वल के मल्टीप्लाई में चला जाएगा और बाकी सारा कुछ डिवाइड में, ये 10 आएगा 10। ओके, अब ये देखो 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, क्या आ गया? 7/4। तो 7/4 मीटर आपकी रेडियस आ गई। तो इस तरीके से आपने सेकंड वाला भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछा गया? कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल ना। चलिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? πR²S, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं। ये सेकेंड वाला आंसर आ गया। ओके, थर्ड क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? πR²H। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 7/4, तो R² है, तो 7/4 × 7/4। एच की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, और ये 7 से 7 कट हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, 2 1 जा 2 और 2 11 जा, ये भी कट हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 11 × 7 × 5 डिवाइड बाई अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर में 96.25 m³। क्वेश्चन नंबर 6 है,
द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट. एक सिलेंड्रिकल वेसल है क्लोज्ड, ओके, जिसकी हाइट 1 मीटर है, उसका वॉल्यूम हमें लीटर में 15.4 दिया हुआ है लीटर में ना, और हमसे पूछा गया है तो जिसमें इतना लीटर वॉल्यूम आ जाता है सिलेंड्रिकल वेसल में, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट. उस मेटल कितनी मेटल सीट की रिक्वायरमेंट होगी क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बनाने में. क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को बनाने में कितनी मेटल सीट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कहीं ना कहीं हमसे इसमें टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है ना. जितना टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही उसको मेटल सीट उसमें लगी होगी बनाने में, ठीक है. लेकिन हमें जो सिलेंड्रिकल वेसल उसका वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, लीटर में 15.4 लीटर्स ना, तो पहले हम क्या करेंगे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, देन फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे. अच्छा हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आ जाता है, 1000 लीटर ना. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ओके. तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा, 1/1000 मीटर क्यूब ना, सही है ये. अब कितने लीटर है, 1 लीटर इक्वल टू दिस, तो 15.4 लीटर इज इक्वल टू 15.4 डिवाइड बाई 1000 ना, ठीक है. तो ये जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ आएगा इस तरीके से 0.0154. कैसे, एक डिजिट पे तो है ही डेसिमल, तो 3 डिजिट और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो आएगा 0.0154 मीटर क्यूब, ओके. यहां तक क्लियर. अच्छा ये मीटर क्यूब में आ गया, ये वैल्यू किसकी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इन मीटर क्यूब में क्या आ गया, 0.0154 मीटर क्यूब ना. ये किसकी वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर एच की, क्योंकि सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0.0154. यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अच्छा यहां से एच तो हमें पता है, पाई भी नोन है, आर की वैल्यू आएगी ना यहां से, ठीक है. और वैसे भी टोटल सरफेस एरिया में जस्ट आर की वैल्यू ही नीडेड थी, क्योंकि एच तो हमें ऑलरेडी पता ही था ना, ओके. चलिए आर फाइंड कर लेते हैं. तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 आर स्क्वायर. एच की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर इक्वल टू 0.0154. तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0.0154 × 7/22. 1 तो हाइट है, तो 1 का तो कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना. चलो ये कट कर देंगे तो कितने टाइम्स कट होगा बताइए. अच्छा यहाँ से हम पहले डेसिमल हटा के नीचे 4 जीरो लगा लेते हैं ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है ना, 1, 2, 3, 4. तो 1 बना के 4 जीरो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सही है. अब ये 7 टाइम्स कट हो जाएगा, 22 × 1 = 22, 22 × 7 = 154. तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 7 × 7/10000 आ जाएगा ना ये. यहाँ तक आपको क्लियर. अब आर इक्वल टू रूट ऑफ 7 × 7/10000 हो जाएगा कि नहीं. अब यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी बाहर, 7/100. जब स्क्वायर रूट ले लेंगे 7 × 7/10000 का, तो 7/100 आर की वैल्यू आ गई, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 0.07 मीटर, ठीक है. आर की वैल्यू अब मिल चुकी है, अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, टीएसए ऑफ द सिलेंडर. तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितनी मेटल सीट लगी है सिलेंडर बनाने में ना. चलिए फाइंड करते हैं. तो
टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यही तो फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना अभी हमने फाइंड किया है 0.07, एच कितना हमें दिया हुआ है 1 मीटर एंड 0.07। ओके, 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या 0.01 ना, तो 2 × 22 × 0.01, 1 + 0.07 ऐड करेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में 1.07। ओके, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.4708 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, यानी कि 0.0708 मीटर स्क्वायर मेटल सीट लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने ये फिगर बनाया पेंसिल का, मैं ये क्वेश्चन पहले आपको इस फिगर के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, एक लेड पेंसिल है, ठीक है, जैसे कि ये पेंसिल है, वो पेंसिल किससे बनी है, लाइक वुड है उसमें और अंदर ही ग्रेफाइट की स्टिक है ना, तो ये पूरा मिला के क्या बनी है, पेंसिल। तो हमसे क्या पूछा गया है, और हमें पेंसिल का डायमीटर 7 मिलीमीटर दे रखा है, और इसके अंदर जो ये छड़ है ना ग्रेफाइट की स्टिक, उसका डायमीटर कितना 1 मिलीमीटर दे रखा है, और इसकी हाइट हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, हमसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम वुड का एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि वुड का और ग्रेफाइट इनका वॉल्यूम पूछा गया है ना। अच्छा बताओ मुझे, ये जो पेंसिल है वो किससे बनी है, वुड और ग्रेफाइट से ही तो बनी है ना पूरी पेंसिल। पूरी पेंसिल कब बोलते हैं, जो ये बाहर वो लकड़ी होती है ना और अंदर उसके स्टिक पड़ी होती है वो ग्रेफाइट की, पूरा मिला के तो हम उसको पेंसिल बोलते हैं ना। तो हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ वुड का वॉल्यूम पूछा गया है एंड ग्रेफाइट का, यानी कि ये जो छड़ है उसके अंदर उसका। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल देते हैं ना, फिर पूरे पेंसिल के वॉल्यूम से अगर मैं ये ग्रेफाइट के की जो स्टिक है उसके वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो फिर हमें सिर्फ वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा ना, सही है। चलिए सॉल्व करते हैं, और जो स्टिक है ग्रेफाइट की उसका वॉल्यूम तो हम डायरेक्टली फाइंड कर ही सकते हैं बिकॉज उसका हमें डायमीटर दे रखा है 1 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमें उसकी हाइट दे रखी है वो सेंटीमीटर में, 14 सेंटीमीटर, और बाकी जो उसके डायमीटर्स हैं वो किसमें, मिलीमीटर में, तो मैं इसको भी मिलीमीटर में ही चेंज कर लेता हूं ना, हाइट को भी। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 140 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसका, पेंसिल का, तो और ये सिलेंडर का शेप में है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंड्रिकल पेंसिल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और हम एक्चुअली जो पेंसिल है उसके डायमीटर को लाइक अगर D1 बोल दें तो रेडियस क्या आ जाएगी, R1, तो 7/2 मिलीमीटर आ जाएगी। ये मैंने मान ली पेंसिल की रेडियस है 7/2, तो ये R1, ठीक है, तो पाई R1 स्क्वायर एच हो जाएगा 22/7। R1 की वैल्यू कितनी है, 7/2 × 7/2
टू, हाइट 140, ठीक है। 7 से 7 कट और 2 से ये कट हो जाएगा 70 टाइम्स, फिर 2 से कट हो जाएगा 35 टाइम्स। ओके, हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 7 इंटू 35, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 5390 क्या मिलीमीटर क्यूब। ओके, ये किसका आ गया, पूरे पेंसिल का वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंदर ग्रेफाइट की स्टिक है ना, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, फिर वही फॉर्मूला सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। बट इस बारी क्या है, हम ग्रेफाइट के जो डायमीटर है ना, उसको डी टू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कितना है, 1 मिलीमीटर है, तो रेडियस आर टू हो जाएगी, तो 1/2 मिलीमीटर आर टू। तो यहां पे मैं आर टू लगा देता हूं, ठीक है, आर टू इक्वल टू 1/2 मिलीमीटर, ठीक है ना, समझ में आया। हम अब चलो वैल्यूज रख देते हैं, तो ये आएगी 22/7, आर टू की वैल्यू 1/2 × 1/2, एच की वैल्यू 140 अगेन। अब 2 से कट करेंगे तो ये 70 टाइम कट हो जाएगा, ये कॉमा था, और फिर से कट करेंगे तो ये 35 टाइम्स कट हो गया। अब 7 से कट कर देंगे तो 75 जा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन मैं बोलूंगा कि आप खुद से ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करें। तो क्या आया, 22 × 5, ओके, तो 22 × 5 करेंगे तो 22 × 5 = 110 मिलीमीटर क्यूब, सही है यहां तक। हमने क्या करा, पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड कर लिया और ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। पेंसिल तो पूरी है ना, और ग्रेफाइट उसके अंदर स्टिक है। अब हमें क्या बताना है, वुड का वॉल्यूम बताना है। तो मैं क्या करूंगा, पेंसिल के वॉल्यूम से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर देता हूं, तो हमें क्या है, वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मैं यहां पर कर लू, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, 5390 और माइनस 110। जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 0 से 0 जाएगा 0, 9 - 1 करेंगे तो 8, 3 - 1 करेंगे 2, और ये 5280 मिलीमीटर क्यूब। ये हमें वॉल्यूम किसका मिल गया, वुड का ना, लकड़ी का, सही है, हो गया सॉल्व। होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन में क्या है। एक ये सिलेंड्रिकल बॉल है, ठीक है, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और वो फिल्ड होता है 4 सेंटीमीटर हाइट तक, ठीक है। तो ये एक पेशेंट के लिए है, इतना सूप कितना, ये जो यहां तक फिल्ड है, इतना वॉल्यूम किसके लिए, एक पेशेंट के लिए दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है हॉस्पिटल को कितना सूप डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर 250 पेशेंट्स ना। तो हम क्या करते हैं कि एक बॉल में जितना सूप आता है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 250 पेशेंट्स को कितना सूप दिया जाएगा हम वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक सिलेंड्रिकल बॉल में जितना सूप आ रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यानी क्या पूछा गया, इसका वॉल्यूम, ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सूप बोल सकते हैं ना, या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन सिलेंड्रिकल बॉल है,
ना, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इक्वल 22/7। अच्छा डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगी, 7/2 होगी, 7/2, 7/2, और हाइट कितनी है 4। सही है, सॉल्व कर लो इसको, करो आप भी ट्राई। 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कट हो गया पूरा। अब क्या बचा, 22 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो एक पेशेंट को कितना सूप दिया जाता है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेली कितना आप सूप उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर 250, तो हम इसी नंबर को 250 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें पता चल जाएगा ना टोटल, तो कितना वॉल्यूम प्रिपेयर करना पड़ेगा उन्हें सूप का। चलिए, तो सूप फॉर 250 पेशेंट्स 154 × 250 ना, मल्टीप्लाई करो आप भी ट्राई करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3850 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए इतना सूप वो डेली तैयार करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मुझे ये लीटर में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 3850 × 1000, 2 0 2 0 कट, और 1 0 से यहाँ पे 1 डिजिट का डेसिमल आ जाएगा पीछे से ना, तो 38.5 लीटर सूप दे हैव टू बी प्रिपेयर डेली। सही है, होप स्टूडेंट आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।